और इसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है। ये सारे ओपन शॉप्स थे, सारे, कोई डोर नहीं, कोई लॉक नहीं। ओरिजिनल हम्प इधर ही देखिए, यहाँ पर आप ये कुछ संरचनाएं देख सकते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं, लेकिन ये पुराने जमाने से नहीं है। पानी में जाएंगे, एक घंटा मस्त मज़े करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कुछ प्लेसेस देखेंगे। और कहा जाता है कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था और वहाँ पर जो बाजार है वहाँ पर देवदासियों को बेचा जाता था। ये जो अप्सराए है, बताया जा रहा है कि इनका नाम है गंगा यमुना। अब जाएंगे हम लोग वहाँ। एक दुख की बात ऐसी है कि इस होटल का नाम है, बताओ कि नहीं बताओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब सुबह के 8:30 बज गए हैं, हम्पी जाने के लिए बहुत लेट निकले हैं, अभी तक हमारा नाश्ता होना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नाश्ता करेंगे, अभी जाते जाते लगभग 6 घंटे का ड्राइव है एटलीस्ट, और रास्ता हाईवे तो नहीं है एकदम कि फास्ट जाया जाए, 6 घंटे तो आराम से लगेंगे। तो आज हम्पी में कुछ ज़्यादा तो देखना होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, 2-3 मंदिर तो देख के ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन हम शायद एक दिन का स्टे बढ़ाएंगे हम्पी में। जैसे जैसे चीज़ें होती जाएगी वैसे वैसे आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए फिर अब निकलते हैं हम्पी के लिए। ये जो रास्ता है यहाँ से गोकाक से हम्पी जाने के लिए, ये कुछ इस तरीके का रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता है और यहाँ पर आप स्पीड पकड़ ही नहीं पाओगे। 250 किलोमीटर दूर है गोकाक से हम्पी, लेकिन जाने के लिए लगभग 6 घंटे लगते हैं। इतना ख़राब रास्ता कैसे जाएंगे, और ये ऐसे ट्रैफिक देखिए क्या करें ऐसे में। अब पता नहीं ये हम्पी तक ऐसा ही रास्ता है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन अब तक हम लोग लगभग 50 किलोमीटर तो आराम से आए रहेंगे, ऐसा ही रास्ता है पूरा। ये नंजुंडा जी आज हमारे साथ है, हमारे गाइड। ये 2-3 दिन के लिए, हम जितने भी दिन यहाँ पे रहेंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ के एक्सपर्ट है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हम आपको इनसे मिलवाएंगे और इनके साथ आप भी हमारे जैसे ही ये पूरा प्लेस देख सकते हैं। ये है सिस्टर रॉक्स इसको कहते हैं, और इसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है। ये सारे नेचुरल फॉर्मेशंस है। ये रॉक्स इतने बड़े हैं ना, कितने बड़े बताए, ये देखिए इतने बड़े तो ये रॉक्स है। ओह माय गॉड, ये द्वार है, मुख्य द्वार यानी एंट्रेंस है। और ये जो यहाँ पे पूरी खेती दिख रही है, तो यहाँ पे पहले उस ज़माने का सिविलाइजेशन, लोग रहते थे यहाँ पर, लेकिन बाद में गांव वालों ने यहाँ पे अपना कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो नरसिम्हा सिटिंग ऑन दी 700 सरपेंट, 700 सरपेंट प्रभावली कीर्तमुका स्टेशन ऑग एंड एवरीथिंग इज कार्ड आउट ऑफ वन पीस ऑफ रॉक। ये हेमकुट पर्वत इसे कहा जाता है। ये जो सामने दिख रहा है ये है हम्पी बाज़ार, जो दो स्टोरीज दिख रहा है ना पुराने स्ट्रक्चर्स, वो है हम्पी बाज़ार। और उसके ईस्ट साइड पे जो दिख रहा है वो अभी का मॉडर्न बाज़ार है, लेकिन ये जो हम्पी बाज़ार है दो स्टोरी वाला दिख रहा है, यहाँ पर सोना चांदी हीरे बिके जाते थे। ऐसे टोटल 7 बाज़ार हम्पी में थे और हर एक बाज़ार में अलग अलग चीज़ें बेचा करते थे उस टाइम के मर्चेंट्स। ये सारे ओपन शॉप्स थे, सारे, कोई डोर नहीं, कोई लॉक नहीं।
कार्ड आउट ऑफ वन पीस ऑफ फ्रॉक है और उसको भी तोड़ दिया था इस्लामिक यूनिवर्स पूरा उसका सिर नहीं था और उसका सिर अभी उसको रेनोवेट किया एएस डिपार्टमेंट हम्प से हम्प जो है ना हाँ हम्प से उसको एज इट इज उसको रिस्टोर किया है ओरिजिनल हम्प इधर है देखिए ये वाला ओरिजिनल हम्प ओरिजिनल हेड है ये ओरिजिनल हेड है उसका देखिए नीचे इधर होता है ना नेकलेस है हाँ ये ओरिजिनल हेड उस नंदी का ये ओरिजिनल हेड कान है नंदी का कान ये नंदी का कान है पूरा सिर है उसका ओ ये सिर है नंदी का ये ओरिजिनल यहाँ पे रखा गया है जो पुराने ज़माने में कुछ ऐसे भी रिलीजन्स थे कि जिनको ये सारी चीज़ें पूरी नष्ट करनी थी अब वो क्यों करनी थी सबको पता है तो मैं उसके बारे में वापस तो नहीं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने बहुत ट्राई किया है पूरा ध्वस्त करने के लिए लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ये रिलीजन ही इतना स्ट्रांग है और बहुत बुरा लगता है बहुत चीड़ आती है ऐसे रिलीजन्स के बारे में कि ये सारी इतनी सुंदर चीज़ें उन्होंने नष्ट करनी चाहिए ये नंदी जी का जो चेहरा है ये बाद में वापस बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे सामने आपको दिख रहा है ओरिजिनल चेहरा ये पूरा एक स्टोन में बनाया गया नंदी है जनरली शिव मंदिर के सामने होता है ये नंदी तो शिव मंदिर कहाँ है ये है विरूपाक्ष सामने तो इतना दूर वो शंकर जी का मंदिर और यहाँ पे उनका ये नंदी यहाँ पर आप ये कुछ संरचनाएं देख सकते हैं एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए लेकिन ये पुराने ज़माने से नहीं है ये अब के ज़माने के लोगों ने रखे हुए हैं इसके पीछे एक कारण भी ऐसा ही है कि अगर कोई चाहता है अपनी मनोकामना है तो यहाँ पे बोल सकता है कि अपना नया घर हो तो फिर यहाँ पे आइए यहाँ पे पत्थर रखिए और फिर इस तरीके से आप अरेंजमेंट्स कीजिए आपकी नए घर की मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहा जाता है कितने लोगों की हुई है वो तो अभी तक पता नहीं है लेकिन हाँ लोगों का मानना है और अगर मानना है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ये तो ऐसे लग रहा है सामने जैसे हाथी पानी में बैठा हुआ है और सामने आपको एक बोट दिख रही है अब हम जाएंगे उस बोट में राइड करने के लिए उसे कहते हैं कोरेकल राइडिंग पानी में जाएंगे एक घंटा मस्त मजे करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कुछ प्लेसेस देखेंगे अंजनाद्री पर्वत सामने जो पहाड़ है उसे कहा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था अब यहाँ पे बोटिंग के लिए हम लोग कल सुबह आएंगे आज आधे घंटे का ही वो लोग बोट राइड बोल रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हैं तो हमने सोचा नहीं हम लोग कल आ जाएंगे लेकिन ये सामने जो आपको दिख रहा है मंदिर ये है राम जी का मंदिर इसे कहते हैं खोदंड रामा टेम्पल राम जी का टेम्पल है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए आते थे अगर यहाँ पर उनको नहाना है स्नान करना है तो उनके लिए और आराम करने के लिए कंस्ट्रक्शन किए गए हैं मंडपों के ये गेट है वहाँ पर जाने का आगे एक बाज़ार है और अच्युता राया टेम्पल इससे आगे आधा किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर जो बाज़ार है वहाँ पे देवदासियों को बेचा जाता था तो ये एंट्रेंस था उस बाज़ार का हमने जो एंट्रेंस देखा अच्युता राया टेम्पल जाने के लिए तो उस टाइम मैंने बताया था एक बाज़ार था यहाँ पर जहाँ पर देवदासियों के डील्स होते थे और उस ज़माने में वो शायद लीगल भी था तो ये वो वाला बाज़ार है सात बाज़ार थे और वो जो सामने दिख रहा है वो है अच्युत राय टेम्पल अब उसे देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं इस प्लेस को कहा जाता है पुष्करणी टेम्पल यहाँ पर पानी हुआ करता था बहुत सुंदर और ये जो है ना मातंग हिल ये कहीं से भी दिखता है पूरे हम्पी में टेम्पल टैंक ये नीचे जाने के लिए स्टेयरकेसेस कितनी सुंदर संरचना है और पुष्करणी टेम्पल के यहाँ पास ही
एक और टेम्पल है, लेकिन उससे पहले बता दो, ये सामने वाला रास्ता जाता है पानी की ओर जहाँ पर हम लोग बोटिंग करने वाले हैं, ये है वराह टेम्पल सामने, और उसके बाजू में बाज़ार, और इस बाज़ार के बाजू में है बीच में यू कैन से विष्णु टेम्पल, और सामने अब जा रहे हैं अच्युतराय टेम्पल। क्या नक्काशी की गई है ना खंभों के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं विष्णु जी के अवतार, अंदर अच्युतराय टेम्पल, विष्णु जी का एक नाम है अच्युतराय। मंदिर के कमान में ही ये अप्सरा एक साइड पे एंड दूसरी साइड पे दूसरी अप्सरा। चलते हैं अंदर। ये जो अप्सराएं है बताया जा रहा है कि इनका नाम है गंगा यमुना, लोगों का स्वागत करती हुई। ये सभा मंडप है और यहाँ पर अलग अलग शिल्प चितारे गए हैं। हर प्रकार के शिल्प यहाँ पर है, अप्सराएं है, भगवान है, गरुड़, और बहुत ही सुंदर तरीके से चितारा गया है। इसे कहते हैं सभा मंडप, और ये उस जमाने का स्टेज होता होगा। हर एक खंभे पर ऐसी नक्काशी की गई है कि आप घंटों इस एक स्ट्रक्चर में बिता सकते हैं, घंटों। ये सभा मंडप के बाद ये है सामने कल्याण मंडप। ये पूरा जो इलाका है एंट्री करने के बाद, इसे कहा जाता है अच्युतराय टेम्पल का एरिया, ये कल्याण मंडप। अब जाएंगे हम लोग वहाँ। ये है कॉरिडोर अच्युतराय टेम्पल का, और ये है मेन मंदिर, और ये दूसरी साइड का मंदिर का कॉरिडोर कितना सुंदर है। ये है मेन मंदिर। एक दुख की बात ऐसी है कि अंदर भगवान नहीं है। अब सुन के आश्चर्य हुआ, जब इसका रीज़न पता चला तो चिढ़ भी आई कि उसे पहले ही नष्ट कर दिया गया है। सिमयाड़ी ये है, जो लोग ये पूरा मॉन्यूमेंट, ये पूरा एरिया उध्वस्त करना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब किया है, मूर्तियों को नष्ट कर दिया है। यहाँ पर भी अंदर मूर्ति नहीं, नष्ट कर दी उन लोगों ने। तोड़ फोड़ नष्ट करना बहुत बुरी बात है। ये दो द्वारपाल, जय विजय, और अंदर थी भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की। बहुत रिच टेम्पल था ये उस जमाने का।
अच्युतराय टेम्पल के मेन मंदिर के बाजू में ये है लक्ष्मी टेम्पल। ये कॉरिडोर्स, एक द्वार, ये लक्ष्मी टेम्पल। अंदर चलते हैं। वेणुगोपाल, ये गजेंद्र मोक्ष, ये कृष्णदेव राजा और उनके मंत्री, हम्पी में आज हमारी यहाँ पे रहने के लिए फर्स्ट नाइट है अकोमोडेशन की, और जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं वहाँ का खाना तो बहुत लजीज होने वाला है, क्योंकि ये जो सूप मैंने लिया है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सूप बहुत ही ज़्यादा लजीज है, टेस्टी है बहुत ही। तो यहाँ पर हम अब खाना खाएंगे, आपको ये रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। इस होटल का नाम है, बताओ कि नहीं बताओ, इस होटल का नाम है हैप्पी हम्पी कैफे। तो यहाँ पर ये होम स्टे जैसा है, दो तीन ही रूम्स है यहाँ पर, लेकिन अच्छे हैं, बेसिक वाईफाई वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटीज यहाँ पर है। तो अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि होटल है कैसा। तो ये है होटल, ये है रेस्टोरेंट, बहुत ही प्यारा है ना, एम्बियंस बहुत अच्छा है, और रूम्स भी ठीक ठाक है, बेसिक ऑल नेसेसिटीज के साथ रूम्स है। तो यहाँ पे हम लोग रहेंगे शायद तीन नाइट्स, दो नाइट्स तो है ही, लेकिन तीसरी नाइट यहाँ पे रहने की नहीं, वो हम लोग कल शाम को डिसाइड करेंगे। तो अब यहीं पर मैं अपना आज का वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, और आई होप कि आज को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, और एक खाने के बाद हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, बाय बाय। बहुत एक्शन पैक शेड्यूल है, लगभग 25 जगह और देखनी है, तो ये स्पेशल टिप मेरी तरफ से आज के दिन की। अब हम जाएंगे पत्थरों के नीचे से, इसके अंदर वाले पोर्शन में हम लोग बैठेंगे। यहाँ पे बहुत सारे वर्लपूल यानी जिसको भंवरे बोलते हैं ना पानी के, वो यहाँ पर हो जाते हैं। 1001 शिवलिंग इस नदी के तीर पर। जब आप यहाँ पे चलोगे तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। हम अब ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं कि जहाँ से आपको हम दिखाएंगे, पुराने ज़माने में अगर ये इतना बड़ा पत्थर तोड़ना है तो ये कैसे तोड़ा जाता था। अब जाएंगे हम इस गुफा के अंदर से। चक्कर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं।